नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर भाग ले जाने वाले आरोपी को अमरपाटन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये मामला 7 वर्ष पुराना भीषणपुर गढ़ी टोला का है, जहां पर आरोपी राम सुशील कहार ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा लिया और अपने साथ भगा कर ले गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने अमरपाटन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग को दूसरे राज्य से बरामद कर आरोपी को 2017 में जेल भेज दिया। अब आरोपी जमानत पर छूटा और पेशियों पर नहीं पहुंचा, ऐसे में अदालत ने आरोपी का गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। अमरपाटन थाना पुलिस ने वारंट को तामील करते हुए आरोपी को गृह ग्राम भीषणपुर गढ़ी टोला से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसमें माननीय श्री दीपक कुमार मिश्रा जी अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन की अदालत से उसका वारंट था, इसमें उसके ऊपर 363 का अपराध पंजीबद्ध था। उसने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद पुलिस ने उसको दोषियात किया, इसके खिलाफ माननीय न्यायालय समक्ष 363 के चालान प्रस्तुत किए। इसमें माननीय न्यायालय के जजमेंट के दौरान ही आरोपी फरार हो गया था, जिसमें उसका कई सालों से वारंट चल रहा था। आज अमरपाटन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से इसका जेल वारंट तैयार करके जेल भेज दिया गया है। आज मैं उसमें अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, उसकी अपील मैं कल सोमवार को वरिष्ठ न्यायालय में करूँगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।